हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ क्रोशिया के लेसेस। इसके लिए हमें चाहिए ऊन, थोड़े से पर्ल्स, क्रोशिया और एक कैंची। लेकिन सिखाने से पहले जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वे प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। पहले ऊन को ले ले और हम सिंपल सा चेन बनाना शुरू करेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम बनाना शुरू करेंगे। चार चेन मुझे बनानी है। ये चार चेन बन गए। उसके बाद एक पर्ल लेना है और उसके अंदर से फंदा घुसाकर इस तरह ये दो का एक कर देना। इस तरह ये बंध जाएगा। फिर मुझे चार चेन बनानी है, दो एक तीन एक ये चार। फिर एक पर्ल लेकर के अंदर से फंदा लेकर ऐसे ये आपका बनता जाएगा। इसी प्रोसेस को आप बार बार करते जाएं। चार चेन के अंतराल में आप एक एक पर्ल घुसाते जाएं और इस तरह दोनों के अंदर से क्रोशिया को निकाले और फिर चार चेन बनाए, दो तीन और एक ये चार। ध्यान रखें कि क्रोशिया खींचते समय ऊन फंसे नहीं। और ये इस तरह से बांध ले। फिर चार चेन हमने बना लिए। ये देखिए इस तरह बनता जाएगा। फिर एक पर्ल ले और उसके अंदर से इस तरह घुसा के बांध ले और इस तरह चेन को कंप्लीट करती जाए चार चार के अंतराल पे। ये देखिए इस तरह से ये आपका बनता जाएगा। फिर एक पर्ल ले ले। आप किसी भी साइज का पर्ल ले सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसी साइज का पर्ल ले। अगर आपको छोटे साइज का पसंद है तो आप छोटे साइज का भी ले सकते हैं। और ये ऊन की जगह आप यार्न का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे उस हिसाब से आप कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह आपका बनता जाएगा। ये आप जितनी मर्जी उतना लंबा बना सकती हैं। अगर आपको छोटा बनाना है तो आप छोटा बनाएं और अगर लंबी बनानी है तो आप लंबा करते जाएं उसे।
किसी भी ड्रेस में आपके डाल सकती हैं। इस तरह से आप करती जाए। ये जैसे मैंने ऐसा इतना बनाया है, आप और भी इसे लंबा कर सकती हैं। इसे देखिए, ऐसे ये सारा पल्स आपका नीचे की तरफ रहेगा, और आप चाहें तो इसे और भी लंबा कर सकती हैं, पर मैं आप इस आपको सिखाने के लिए मैं इतना बना रही हूँ। अब यहाँ पर जब आपको अंतिम करना हो तो यहाँ से हम फिर वापस लौटेंगे, ये फंदा इतना लंबा खींच के फिर वापस हम इधर इस चेन में ही घुसाएंगे, और दो का एक, और फिर ये दो का एक, फिर दूसरे चेन में इसी तरह घुसाना है हर चेन में। इस तरह फिर ऐसे तीन हो जाएगा, तीन का दो करना है और फिर दो का एक करना है, ऐसे आपका बनता जाएगा। इसी तरह आपको ये प्रोसेस बार बार करनी है जब तक कि आपका ये लेस पूरा ना हो जाए। और ध्यान रखें कि हर चेन में आप ये बनाने की कोशिश करें। जिससे चेन आपका सुंदर लगेगा। इस तरह देखिए ये बनता जाएगा इस तरह से। मोती को नीचे की तरफ करके चेन में घुसाते जाएं, और दो तीन का दो और दो का एक करती जाएं। इस तरह आप अपने लेस को फिनिश करेंगे। देखिए ये ऐसा बनता जाएगा। इसे आप अपने घर में आसानी से बना सकती हैं और किसी भी ड्रेस पे लगा सकती हैं। खासकर बच्चों की ड्रेस में तो ये ज़्यादा ही अच्छा लगता है, बच्चों की फ्रॉक वगैरह में आप डाल सकती हैं। इसी प्रोसेस को आप बार बार रिपीट करते रहिए। इसी तरह ये प्रोसेस रिपीट करती जाएं।
देखिए ये ध्यान से हर चेन में घुसाते जाना है। देखिए ऐसे आप हर चेन में इस तरह घुसाते जाएं। ये देखिए इस तरह आपका बनता जाएगा। इस तरह से देखिए ये प्रोसेस को आप करते जाएंगे, आपका इस तरह बनता जाएगा। हर चेन में आपको घुसाते जाना है। देखिए इस तरह हमारा लेस अब डन हो जाएगा। ये अंतिम आ गया है। ये देखिए यहाँ अंतिम है, ये अंतिम आप यहाँ भी इसी तरह घुसा कर इसे बांध ले। उस तरह देखिए ये आपका ऐसा बन जाएगा। और यहाँ पर आप एक चेन लेकर अंत में उनको कट कर ले।